हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का साउंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे आज। तो पार्ट थ्री है, इससे पहले मैं दो पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट वन और पार्ट सेकंड। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है हमें। पहला क्वेश्चन होता है ए पार्टिकल कम्प्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज ही टेक इन अ वाइब्रेशन इन 25 सेकेंड। अगर एक पार्टिकल 2 सेकेंड ले रहा है तो 25 वाइब्रेशन के अंदर कितना सेकेंड लेगा? ऑब्वियस ही बात है 25 × 2 तो 50 सेकेंड्स। ओके, यानी एक वाइब्रेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक कि एक को ले रहा है कितना, 2 सेकेंड। तो ऐसे अगर 25 होएंगी तो कितना टाइम लग जाएगा, 50 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, विच प्रॉपर्टी इन अ मीडियम चेंज वैन द लॉन्गिट्यूडनल वेव पासिस थ्रू। प्रेशर क्या बोल रखा है, कौन सी प्रॉपर्टी के द्वारा मीडियम चेंज होने की वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव पास होती है। देखो तो प्रेशर होता है ना, ये जैसे कि ये है, ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के पास बहुत ज़्यादा पासिस के मॉलिक्यूल्स होता है। ये हमारा लिक्विड है, लिक्विड के थोड़े दूर होता है। ये है हमारा गैस, कलर चेंज कर लेते हैं गैस के लिए। ये मान लो कि गैस है, ये दिखाई नहीं दे रहा तो हम यहाँ से ले लेते हैं येलो कलर। तो ये मान लो ये गैस है, ठीक है, गैस के दूर। अगर मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा तो ये लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड में प्रेशर लगाऊंगा तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। प्रेशर मतलब इसको चारों तरफ से दबा देंगे, तो ये बोल रखा है बस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है। ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ वेव दैट कंसिस्ट ऑफ द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे कि पेंडुलम होता है ऐसे, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाती है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आते हैं कंसिस्ट ऑफ द ऑसिलेशन, तो ये पैरेलल करती हैं किसके, प्रोपोगेशन के पैरेलल होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कैसे ऑसिलेट करती है। ट्रांसवर्स वेव हमेशा परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है, यानी 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे ये। ओके, ये इस तरीके से ऑसिलेट करेंगी ये नीचे लहर, ठीक है, और वो ऊपर इस तरीके से करती हैं। ये होती है प्रोपोगेशन वेव और ये होती है ट्रांसफर वेव्स। ओके, ये वाला दूसरा कलर से बता देता हूँ, ट्रांसफर वेव ये वाली होती है। ओके, कौन सी, ये वाली, ये ट्रांसफर वेव होती है हरी वाली। ये 90 डिग्री पैरेलल होती हैं इसके, इसके होते हैं परपेंडिकुलर होती हैं, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर। विच टर्म पिच क्वालिटी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड आर एसोसिएटेड विद फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली। ये 3 चीज़ों की वजह से क्वालिटी, साउंड और फ्रिक्वेंसी अच्छी होती है। ये होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी, वेव फॉर्म और एम्पलीट्यूड। क्या होती है फ्रिक्वेंसी, ये होती है फ्रिक्वेंसी होती है हमारी, एम्पलीट्यूड की हाइट होती है, और वेव किस तरीके से फॉर्म हो रही है। देखो वेव फॉर्म होती है एक इस तरीके से, ठीक है, और एक वेव फॉर्म होती है ऐसे डम्बल सेम में, ठीक है। तो वेव की इसकी फॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरह की वो फॉर्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्या क्वेश्चन बोला है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, किसमें ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि तीनों मीडियम में ट्रैवल होते हैं, सॉलिड कोई ना कोई मीडियम चाहिए, और वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं होता, तो वैक्यूम के अंदर बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करते। इसका यहाँ पर होगा किस में ट्रैवल नहीं करते, इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है द लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड नोट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी, कितनी तेजी से और कितनी फ्रिक्वेंसी कर रहा है। फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार ये घूम रहा है, ऐसे ही कितनी बार हो रहा है, और कितनी इंटेंस है, कितनी तेज, मतलब हाई एम्पलीट्यूड जा रहा है कि नहीं जा रहा, इस वजह से हम साउंड की पिच को पता कर सकते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है, आगे साउंड कैन प्रोड्यूस बाय, कब प्रोड्यूस होता है साउंड, जब वाइब्रेशन होगी। अब देखो प्लकिंग ए स्ट्रिंग, किसी भी तार को ऐसे छेड़ना, ठीक है, जैसे तार होते हैं गिटार के अंदर, स्ट्रिंग ए ड्रम, किसी ड्रम को बजाना, ठीक है, ये ड्रम को बजाओगे तब होगी, और हॉर्न को बजाओगे तो क्या होता है, तब ये तीनों चीज़ होंगी, तब क्या होगा हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड प्रोड्यूस होने के लिए कोई भी वाइब्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, कभी भी किसी भी साउंड की स्पीड हमें पता करनी, तो कैसे, एक टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए। जैसे सॉलिड है, सॉलिड का टेम्परेचर कम होता है, लिक्विड का थोड़ा ज़्यादा, और गैस का और भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमें बता सकते हैं कैसे, कि सॉलिड चीज़ होती है मतलब ठोस है, मतलब पास पास है,
तो उसका टेम्परेचर भी बता दें, टेम्परेचर से इसके अंदर वाइब्रेशन आ जाएंगे, ठीक है, वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स तेज़ी से होंगे तो ये साउंड भी तेज़ी से होगा, ठीक है। टेम्परेचर का मतलब ये है किसी भी जो पार्टिकल है उसको वाइब्रेशन तेज़ी से कराता है। क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन वाइब्रेशन स्ट्रिंग मूव टूवर्ड द लेफ्ट, जैसे ये है मान लो, ठीक है, अब मान लो कि ये वायर है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड स्ट्रिंग को खींचूँगा तो ये कहाँ पर जाएगा, इसको छोड़ूंगा तो राइट की साइड जाएगा, ओके। लोअर प्रेशर किस तरफ क्रिएट होगा, राइट की साइड, यहाँ पे तो खींच रहा हूँ, इस तरफ तो ज़्यादा प्रेशर होगा, इस तरफ क्या होगा, कम प्रेशर, जैसे कि इस तरफ खींचेंगे तो ज़्यादा प्रेशर, उस तरफ कम प्रेशर होगा राइट की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू दोस्तों।